प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 22 तक का पाठ किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि उन सबको भी वाणी का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हवे वारी जाऊं वन राय वल्लभनी, जेहनी सकोमल छाया, गुण जो जो तमे एवन ओखदी, दीठड़े दूर जायो माया। इंद्रावती कहती है, अब मैं वनराज शमी वृक्ष खिजड़ा के वृक्ष पर अपने आप को न्यौछावर करती हूँ, जिसकी छाया अत्यंत शीतल एवं कोमल है। हे सुंदर साथ जी, तुम उस वृक्ष के गुण को देखो, वह औषधि रूप है, उसके दर्शक पात्र से माया दूर भाग जाती है। अवे वारणा लऊं आंगड़ियों वेलूं, जिहां बे सोचो संजा समय साथ, परियाण करो धाम चालवा, घर वाटड़ी देखाड़ो प्राणनाथ। मैं आंगन की उस रेत पर अपने आप को न्योछावर करने के लिए तत्पर हूँ, जहाँ संध्या के समय सतगुरु सुंदर साथ के साथ बैठते थे। सब मिलकर परमधाम जाने के लिए चर्चा विचारणा करते थे, एवं प्राणनाथ सतगुरु अखंड परमधाम जाने का मार्ग बताते थे। बली वारणा लऊं आंगड़ियां, अने आसपास सहू साज, जिहां बेसो उठो उभार हो, वल्लभ मारा श्री राज। पुनः मैं उस आंगन और आसपास की सब वस्तुओं के प्रति समर्पित होती हूँ, जहाँ प्राण वल्लभ सतगुरु धनी का बैठना उठना होता रहता था। धनी विधे हूँ गोली गोली जाऊँ, मंदिर ने वली द्वार, भामड़ा लऊँ ते भोम तना, जिहां बेसो छो मारा आधार। मैं अनेक प्रकार से उन मंदिर और दरवाजे पर समर्पित होती हूँ, उस भूमि पर अपने आप को न्योछावर करती हूँ, जहाँ मेरे धाम धनी बैठते थे। पारी जाऊं पलंग पाटी ओ सीसा, तलाई सिरख ओ छाड़, वली वारी जाऊं चंद्रवा, जिहां पोढ़ो सुख सी जाए। उस पलंग पाटी तकिया गद्दा चादर यदि आदि पर अपने आप को समर्पित करती हूँ। सतगुरु धनी के पलंग के ऊपर टंगे हुए चंद्रवा पर पुनः समर्पित होती हूँ, जिस पलंग पर सतगुरु धनी सुखपूर्वक शयन करते थे। वे घोली घोली जाऊं झीला ने चाकला, गोली जाऊं मंदिर ना थंभ, जेने थंभे करे धनी पोताने, जुगते वाल्या बंध। अब मैं गलीचा छोटे छोटे आसन मंदिर के स्तंभ पर भी नौछावर होती हूँ। इन स्तंभों पर धामधनी ने स्वयं अपने हाथों से युक्तिपूर्वक बंधन बांधे थे। बेसोचो जी हाँ बलवंत बलिया, जाऊं बलिहारी तेने ठाम, साथ सकल सवारो आवी बेसे, वर्ण वो धनी श्री धाम। जिस स्थान पर सर्वशक्तिमान सतगुरु धनी बैठा करते थे, उस स्थान के लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करती हूँ, जहाँ समस्त सुंदर साथ प्रातःकाल में आकर बैठते थे और स्वयं धाम धनी सतगुरु परम धाम का वर्णन सुनाते रहे। उस समय उस स्थान पर भी मैं आपको अपने आप को समर्पित करती हूँ।
मंदिर माहे अनेक विध दिसे, जोगवाई पूर्ण सर्वे अनेक वार लई लऊं तेना भामणा, मारी वारी नाखूं जीव सूं देह। हे सतगुरु, आप जहाँ पर विराजमान हैं वह मंदिर अनेक प्रकार के साधनों से परिपूर्ण है, उन सब पर मैं स्वयं अपने देह और प्राणों को अनेक बार समर्पित करती हूँ। भले तमें देह धर्या मुझ कारण, करी अजवालू टाल्यो भरम, जीव मारो घणो कठन हतो, तमें नेत्रे गाली की धो नरम। हे सतगुरु धनी, आपने हमारे लिए सुंदर देह धारण की तथा तारतम के प्रकाश के द्वारा ब्रह्म को हटाया। मेरा जीव अति कठोर था, परंतु आपने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा द्रवित कर उसे नरम बना दिया। अवे चरण कमल ना लऊ भामणिया, अने भामणा लऊ सर्वा अंग, हस्त कमल ने वारणे वारी जाऊं मुखारने विंद। आपके दिव्य चरण कमलों में मैं न्योछावर होती हूँ और आपके सब अंगों प्रत्यंगों पर अपने आप को न्योछावर करती हूँ। आपके हस्त कमल एवं मुखमंडल पर भी मैं समर्पित होती हूँ। वस्त्र ऊपर वारी वारी जाऊं, भामणा लऊं भूषण, नेत्र निर्मल ने वारणे, जेहनी दृष्टे फल पामिए तत्क्षीण। मैं धनी जी के वस्त्रों एवं आभूषणों पर न्योछावर होती हूँ, आपके पवित्र नेत्रों पर भी स्वयं को समर्पित करती हूँ, जिन कृपा दृष्टि से ही तत्क्षण फल प्राप्त होता है। जाऊं बलिहारी नासिका पर, अने दुखणा लऊं सर्वणा, सुंदर स्वरूप शकोमल ऊपर, जीव लिए भामणा घणा घणा। मैं सतगुरु धनी की नासिका एवं श्रवण पर अपने आप को न्योछावर करती हूँ। प्रियतम सतगुरु के सुंदर सुकोमल स्वरूप मेरा जीव अनेक बार समर्पित होता है। सेवा करे छे बाई हिरबाई, ओछव रसोई जाहे, अंतर्गते तमे नित आरोगो, हूँ लऊ भामणा घणा घणा ताहे। सतगुरु धनी की रसोई तैयार करने की सेवा हीरबाई करती है, जहाँ प्रतिदिन रसोई का उत्सव होता है। आप श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होकर नित्य भोजन करते हैं, उस स्थान पर मैं बारंबार समर्पित होती हूँ। घोली घोली जाऊं ते वाणी ऊपर, जे वचन कहो छो रसाल, सात सकल ने चरणे राखी, सागर आड़ी बांधो छो पाल। हे धनी जी, आप जिस सुमधुर वाणी द्वारा रसपूर्ण चर्चा करते हैं, उस पर अपने आप को वारंवार न्योछावर करती हूँ। इस प्रकार समस्त सुंदर सात को अपनी छत्र छाया के नीचे रहकर मोह सागर को रोकने के लिए आप ज्ञान रूपी बांध बनाते रहते हैं। हवे सेवा करिश हूँ सर्वा अंगे, दऊ पदखिणा रात ने दीन, पल न वालू निरखु नेत्रे, वालपण करूँ जीवने मन। अब मैं अपने संपूर्ण अंगों से आपकी सेवा शुश्रूषा करते हुए रात दिन आपकी परिक्रमा किया करूँगी। एक क्षण के लिए भी पलकों को बंद किए बिना आपको निहारती रहूंगी, अपने जीव और मन द्वारा आपसे प्रेम करूंगी। मुह जेहवा अजान अबूज, दुष्ट होय अप्रचिक, अधम नीच मतहीन,
ते एने चरणे आवी थाय जान शिरोमण सुघड सुपिचक प्रवीण। मेरे जैसे कोई अनजान ना समझ दुष्ट अल्पबुद्धि वाली अधम नीच तथा अनभिघ्न भी आपके चरण कमलों के आश्रय में आकर आपकी कृपा से शिरोमणि सुंदर समझदार तथा चतुर बन जाती है। तेना जीवने जगावी नीत दियो छो निर्मल करो छो वासना प्रकाश ते जीव वची खीण वीर थई चौद भवन करे अजवाश। आप ऐसे जीव को जगाकर पवित्र तारतम ज्ञान देते हो और वासना को परख कर उसका संबंध प्रकट करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह जीव चतुर प्रवीण साहसी और वीर बनकर चौदह लोगों के तारतम ज्ञान से अलौकिक करता है। वे गुण केटला कहूँ मारा वालैया जे अमसु की धा आवार आनी जोगवाई न कहवाय पण लखवा तो है निर्धार। हे मेरे सतगुरु धनी अब मैं आपके गुणों की कितनी प्रशंसा करूं। आपने इस बार हम पर जो उपकार किए हैं उनकी प्रशंसा इस झूठे मायावी शरीर द्वारा नहीं की जा सकती। तथापि पहचान के लिए कुछ तो लिखना ही चाहिए। वे आही उपमा के ही दऊ मारा वालिया ए शब्द न पहुँचे तमने वचन कहूँ ते ओरु रहे तेणे दुख लागे घणो अमने। हे मेरे प्रियतम यहाँ इस झूठे संसार में आपकी महत्ता को कौन सी उपमा दूँ। यहाँ के शब्द आप तक नहीं पहुँच पाते। हम वाणी द्वारा जो भी वर्णन करते हैं वे शब्द इधर ही रह जाते हैं। इसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। एक वचने मारी दाज भाजे छे ज्यारे कहूँ छू धनी श्रीधाम एक एणे वचने मारो जीव करारियो भाजी हैडानी हाम। जब मैं एक ही शब्द धाम धनी का उच्चारण करती हूँ तो मेरी दाज शांत हो जाती है। उस वचन के द्वारा मेरे जीव को अखंड सुख का अनुभव होता है तथा मेरे हृदय की इच्छा पूर्ण हो जाती है। कहे इंद्रावती अति उच्चरंगे फोड़ी ब्रह्मांड करो प्रकाश विगते वाट देखाड़ू घरनी जेम सोहेलो आवे मारो साथ। इंद्रावती मन में उत्साह और आनंद भरकर कहती है अब मैं ब्रह्मांड को फोड़कर तारतम का प्रकाश चारों ओर फैला दूंगी और युक्ति पूर्वक परम धाम का मार्ग दिखाऊंगी ताकि मेरे सुंदर साथ सरलता पूर्वक परम धाम पहुँच सके। प्रकरण 23 चौपाई 579। हे सुंदर साथ जी इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 23 पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।